गुड मॉर्निंग क्लास 10 स्टूडेंट्स, मैथ्स की हिंदी मीडियम की आज की क्लास में एक प्रश्नावली 3.4 करेंगे हम। हमारी जो चल रही थी, हमारा जो चैप्टर था वो चैप्टर 3 चल रहा था, 3.3 प्रश्नावली तक हमारा हो गया था, तो 3.4 प्रश्नावली हम आज करेंगे। और जो 3.4 प्रश्नावली है उसमें आपका रहेगा विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि के बाद ये दूसरी विधि है जो आपकी है, विलोपन विधि। इसमें हम क्या करेंगे, किसी एक चर को हम विलोप करने की कोशिश करेंगे। विलोप का मतलब होता है उसे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, और प्रतिस्थापन, और आपके पहले क्वेश्चन में आपने प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों लगाकर देखनी है। आपने देखना है कि आपको कौन सी विधि ज़्यादा आसान लगी है। तो आपको अपने दोनों क्वेश्चन, आपको अपना फर्स्ट क्वेश्चन दोनों ही तरीके से सॉल्व करना है। और अच्छे से समझिएगा कि ये विधि कौन सी है। इसके आगे भी बहुत सारी विधियाँ आने वाली हैं, उनके नाम से उनकी पहचान रखिएगा कि कौन सी विधि है, उसके ऊपर उसका सम जो है वो कैसे होना है, कैसे आपको पहचान रहेगी कौन से क्वेश्चन में कौन सी विधि लगाने से हमारा सम ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। और जो भी आपको कोई प्रॉब्लम हो आप अपने कल के डाउट सेशन में मुझसे ले सकते हैं, मुझे बता देना कि मैम हमें इस क्वेश्चन में या इस कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, सो आई विल क्लियर दैट। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 3.4 में जो आपकी विधि है वो है विलोपन विधि। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, विलोपन से मतलब विलोप करना, किसी एक चीज़ को विलोप कर देना, ख़त्म कर देना, गायब कर देना। तो देखिए, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें उन्होंने बोला आप दोनों ही विधियाँ लगाएं, विलोपन भी लगाएं, प्रतिस्थापन भी लगाएं, और ये भी बताएं कि कौन सी विधि आपको ज़्यादा पर्याप्त लगी, ज़्यादा अच्छी लगी, कौन सी ज़्यादा आसान लगी। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, एक्स प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4। तो ये पहले क्वेश्चन में आपको दो समीकरण दे रखे हैं। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे चेक करके ये बताना है कि आपको कौन सा समीकरण ज़्यादा आसान लगा। जैसे कि देखिए, x प्लस वाई बराबर 5 को हमने 2 से गुणा करें। अभी हमने क्यों किया, जैसे कि इस विधि का नाम था विलोपन, हमने विलोप करना था। तो आप क्या करें, किसी भी एक चर को उठा लें। जैसे कि मैंने यहाँ पे x को चुना, आप x या y किसी को भी उठा सकते हैं। और आप क्या करें, इन दोनों समीकरणों में जिस चर को आपने विलोप करना है उस चर के गुणांक एक जैसे कर दीजिए। मान लो अगर आप y उठाते तो y का गुणांक है 3, तो आप क्या करते, आप इस पूरे के पूरे समीकरण को 3 से गुणा कर देते। मैंने उठाया x कि मैं x को विलोप करूंगी, तो x को उठाने से x का गुणांक क्या है, 2। तो अब मैं इस पूरे समीकरण को 2 से गुणा करूंगी, जिससे कि यहाँ पे जो x का गुणांक है वो भी क्या हो जाएगा, 2। तो विलोप करने के लिए आपको एक ही चीज़ करनी है कि आपको जो भी आप चर अपने दिमाग में सोच रहे हैं कि मुझे इस चर को विलोप करना है, दोनों समीकरणों में उसका गुणांक एक जैसा होना चाहिए। अब यहाँ पे तो ये था कि हम जो यहाँ पे इसका गुणांक ऑलरेडी है वो 1 है, तो 1 को हम 2 से गुणा करके 2 ला सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इसका गुणांक कुछ अलग, मान लो इसका 2 होता, इसका 3 होता, तो अगर आपके पास एक तरफ होता 2x और एक तरफ होता 3x, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं इनको बराबर करने के लिए, 2 गुना 3 6। तो आप जहाँ पे तो 2x है उसको तो आप गुणा करेंगे 3 से, समीकरण को, जहाँ पे 3x है उस समीकरण को गुणा करेंगे आप 2 से, ताकि आपके पास क्या बन जाएगा, आपका जो आपको समीकरण चाहिए 6 आ जाएगा वहाँ पे। तो इस तरीके से आपको आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। तो अब देखिए, यहाँ पे जब आपने इसको 2 से गुणा किया तो आपके पास क्या आ जाता है, 2x प्लस 2y बराबर 10। इस पूरे को 2 से गुणा कर दिया, 2x 2y बराबर 10। और ये वाला समीकरण इसके नीचे लिख दिया, 2x माइनस 3y बराबर 4। अब जब आपने एक और चीज़ का ध्यान रखना है, जिस चर को आपने एक समान किया जिसके गुणांक को, अब आप देखिए कि उनके चिन्ह क्या है। यहाँ पे पहले से ही समान चिन्ह है, जब समान चिन्ह होंगे तो आपको इन दोनों समीकरणों को आपस में घटाना है, आपस में घटाएं इन दोनों को, जिससे क्या होगा, जो नीचे वाला समीकरण होगा उसके सारे चिन्ह क्या होंगे, उल्टे हो जाएंगे, जो दिए गए चिन्ह हैं उनसे उल्टे हो जाएंगे। 2x प्लस का था माइनस का, माइनस का था प्लस का, ये प्लस का था माइनस का। अगर आपका दो ऑलरेडी असमान चिन्ह है, आपको जो दिए गए चिन्ह है वो असमान चिन्ह ही हैं दोनों के चरों के, जो आपने एक समान जिनके गुणा किए, मान लो ये प्लस का है और ये आपको क्वेश्चन में ही माइनस का दिया होता, तब आप क्या करते, तब आप इनको ऐड कर देते, क्योंकि फिर अगर पहले से ही असमान चिन्ह है तो वो तो जोड़ने से भी कट ही जाएंगे, क्योंकि हमें विलोप करना है, हमें काटना है इस पूरे के पूरे चर को, ख़त्म कर देना। तो अब देखिए, यहाँ पे 2x माइनस 2x, तो ये तो आपका ख़त्म हो गया। 2y प्लस 3y, 5y, वाई जो चर है इसका मान ज्ञात करना है, तो y यहाँ पे गुणा में है, उधर जाके बटा में हो जाएगा, 6/5 आपका y का मान आ गया। अब ये जो मान आया है, इसको पहले या दूसरे किसी भी समीकरण में लिखिए, और x का मान ज्ञात किए, मैंने पहले समीकरण में लिखा, y की जगह पे 6/5, 6/5 उधर गया, माइनस का हो गया, 5 के नीचे कुछ नहीं था तो मैंने 1 मान लिया, 1 और 5 का एलसीएम दिया 5, 25 माइनस 6, 19/5 आ गया। तो यहाँ ये आपका तरीका है
किस तरीके से आपका ये विधि निकली है विलोपन विधि से। अब यही सेम क्वेश्चन अगर मैं प्रतिस्थापन विधि से करती हूँ तो प्रतिस्थापन में मैंने क्या किया, जो पहला आपका था समीकरण उसमें से मैंने x का मान ज्ञात कर लिया, वो समीकरण था आपके पास x प्लस वाई बराबर पाँच, तो मैंने x को यहीं छोड़ दिया, y उधर चला गया माइनस में, तो आपका आ गया y माइनस फाइव माइनस वाई x का मान। अब आपका जो दूसरा समीकरण था वो ये था, इसमें मैंने x का मान ये लिख दिया जहाँ पे x है ये लिख दिया। प्रतिस्थापन का मतलब था कि हम एक चर से दूसरे चर का मान ज्ञात करते हैं और दूसरे समीकरण में उसको लिखते हैं मान। अब आपका जो दूसरा समीकरण था वो ये था, इसमें मैंने x का मान ये लिख दिया जहाँ पे x है ये लिख दिया। प्रतिस्थापन का मतलब था कि हम एक चर से दूसरे चर का मान ज्ञात करते हैं और दूसरे समीकरण में उसको लिखते हैं ताकि वो दूसरा समीकरण एक ही चर में आ जाता है। अब यहाँ इस पूरे के पूरे समीकरण में से x जो है वो खत्म हो गया, सिर्फ और सिर्फ y रह गया। दो को पाँच से गुना किया दस, दो को माइनस वाई से किया माइनस का दो वाई, माइनस तीन वाई पहले से है चार। अब आप क्या करें, चर एक तरफ कर लें और अचर एक तरफ कर लें, तो माइनस का दो वाई माइनस का तीन वाई माइनस पाँच वाई हो गया, दस उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, चार माइनस दस माइनस छः, हमें y निकालना है तो माइनस का पाँच इधर गुणा में उधर जाके बटा में हो गया। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस आपस में कट जाएंगे, कटेंगे तो आपका आंसर आ गया छः बटा पाँच। अब फिर वही कीजिए, यहाँ पे छः बटा पाँच लिखिए y का मान तो आपका x आ जाएगा, फिर लिखा तो यही आ गया। तो आपका सामने है विधि, चाहे विलोपन है चाहे प्रतिस्थापन है, आपका आंसर दोनों ही विधियों से सेम आने वाला है। अब आप जब दोनों विधियों से सम करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपको कौन सी विधि ज़्यादा आसान लगती है, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत रेयर ऐसा होता है कि आपको दिया हो कि आपको ये क्वेश्चन इस विधि से करना है, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम्स में सिर्फ और सिर्फ उसका मान ज्ञात करने की बात होती है, हल निकालने की बात होती है, विधि के बारे में नहीं बताया होता। इसीलिए इस चैप्टर में हम बहुत सारी विधियाँ करेंगे, हर प्रश्नावली में एक अलग विधि है, जिससे आपको ये पता लगेगा कि आपके लिए कौन सी विधि ज़्यादा आसान है। आप हर विधि की प्रैक्टिस कीजिए, हर विधि के क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए और एट द लास्ट आप इस पॉइंट पर पहुँच जाएंगे कि आपको कौन सी विधि ज़्यादा आसान लगती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।